फोन पे हो जाएगा ना वैसे। 13 किलोमीटर ज्यादा चलना भाई भाई। तो सभी छोटे बड़े भाइयों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज की राइड हम करने जा रहे हैं नोएडा, और प्रॉपर डेस्टिनेशन जगह मेरे को पता नहीं है, वो आपको व्लॉग के बीच में पता चलेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। करते हैं आज की राइड शुरू। ये अपनी बाइक चल गई है और अब चलते हैं राइड के लिए। शुभारंभ। तो दोस्तों कल संडे एक्सप्लोर करने के बाद बाइक में हो गया था पेट्रोल कम हो गया था, ख़त्म तो नहीं बोलूँगा तो कम हो गया है। और आज नोएडा जाना है, तो नोएडा यहाँ से दिल्ली से पड़ेगा, काफ़ी दूर है, और हमारे एरिया से तो काफ़ी दूर है, करीब 45 किलोमीटर हमें पड़ जाएगा। तो पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा हमें एक बार, तो इधर से पेट्रोल फिल कराते हैं, फिर रास्ते के व्यूज़ दिखाएंगे आपको, और फिर सीधा मिलते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं। अगेन मेरे को नाम याद नहीं है कौन सी जगह पर जा रहे हैं, तो चलो पेट्रोल फिल कराते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। एक बार कार्ड यूज़ करके देखो मेरा एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो फिर फ़ोन पे वगैरह से देना पड़ेगा पेमेंट। ये कर दो 250 का कर दो, 250 फ़ोन पे हो जाएगा ना वैसे, फ़ोन पे हो जाएगा ना अगर ये नहीं काम करेगा तो। हो गया, मेरे को लग रहा डीएक्टिवेट कर दिया बैंक वालों ने, ये तो चल रहा है। ये है स्लिप, वही हमने कराया है 250 पेट्रोल, क्योंकि कुछ था इसमें पहले ही और कुछ अभी हमने करवा लिया, तो पहुंच जाएंगे इतने में आराम से। तो ये लीजिए पेट्रोल भी डल जाएगा, 0.98 रुपीस पेट्रोल हो गया है। फिलिंग। दो लीटर ढाई लीटर पेट्रोल आया करीब, तो 2.5 लीटर इनफ होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बाकी देखते हैं कम पड़ेगा तो आगे डलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ था इसमें पहले ही, 250 रुपये का पेट्रोल इसमें था पहले ही, 250 का मैंने अभी डलवा लिया, तो 500 रुपये का पेट्रोल नोएडा के लिए तो इनफ होना चाहिए रॉयल इनफील्ड में। तो स्टिकर लगा दिया लोंडे ने इस स्कूटी पर, कल मंगाए है, इसका डिलीवर हुआ है पार्सल फ्लिपकार्ट से। तो स्कूटी अलग लग रही है, स्टिकर से भर दिया इसको पूरा, इतने स्टिकर लगा दिए। देखो थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो स्टिकर लगे हैं स्कूटी में, इसका नाम स्टिकर स्कूटी स्टिकर स्कूटी नाम से याद आया यार, मेरे को अपनी बुलेट का भी क्लासिक का कोई नाम बताओ, कोई नाम रखूँ मैं इसका, काफ़ी टाइम हो गया सोच रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका नाम क्या रखूँ। तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो यार, दो चार कमेंट बताओ कि कौन सा नाम अच्छा रहेगा। चल, तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है दिल्ली का, देख सकते हो आप, 8:30 बजने वाले हैं और अभी तक धूप नहीं निकली, ऐसा लग रहा है विंटर्स में आ गए, समर्स में विंटर का वेदर हो रहा है, मतलब राइड करने का सबसे बढ़िया जो मौसम होता है उसको आप कह सकते हैं कि आज है संडे। तो भैया गोप्रो ना हो आपके पास, वो एक मोबाइल ही हो, मोबाइल होल्डर से आपने माउंट किया हुआ हो फोन हेलमेट में, तो आपके साथ ये भी
प्रॉब्लम होती है कि आप दो राइडर्स हो तो आप एक दूसरे से अलग हो सकते हो, आगे पीछे आप हो सकते हो, तो ये चीज़ें करने से ही सीखते हैं। जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है तो गाइस ये थी अपनी डेस्टिनेशन, वाह डोगे बैठे बाहर थ्रोटल शोटल। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसको इसने तो मेरे को पीछे छोड़ दिया था, मैं करीब 13 किलोमीटर ज़्यादा आगे से वापस पीछे आया हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने उसके पास पहले कॉल किया, कॉल करने के बाद फिर मैंने अपने फ़ोन से नेविगेशन लगाई, फ़ोन को माउंट किया, उसके बाद नेविगेशन के थ्रू मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, नहीं तो मैं तो बहुत ही आगे चला गया था। तो अभी देखो काफ़ी राइडर्स आए हुए हैं यहाँ पे, बाइकें देख सकते हो आप, अच्छी अच्छी बाइकें हैं। ये रॉयल इनफील्ड मेरी है, ये साइड में रेड वाली, ये स्कूटी देखो स्टिकर, वाह स्टिकर से काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी स्कूटी। ये सभी भाई हैं, सब राइड करने आए हुए हैं यहाँ पे। और ये आपका थ्रोटल थ्रोटल। भाई जतिन चला रहा है कॉन्टिनेंटल। तो भाई ये है बंदा जिसकी वजह से मेरे को 13 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ा। भाई मैं 13 किलोमीटर आगे चला गया था। भाई मैंने बोला कि भाई रुक जाओ, मैंने बोला कि भाई रुक जाओ, लेकिन भाई रुके नहीं, सामने खड़े रहे, फिर एकदम निकल गए वापसी। लेकिन मैं इधर से घूम गया भाई, 13 किलोमीटर घूम गया, और उधर से इतना काला आसमान हो गया कि मेरे को लगा भाई अब तो कोई यहाँ रुकने की जगह भी नहीं है, और भाई कपड़े भीगने हैं मेरे सारे। तो चलो मैं, अच्छा हुआ मैंने उतर के फोन कर लिया इसके पास, क्योंकि रास्ता ही वही था मेरे पास कॉल करना इसके। लेकिन भाई भाई मैं कॉल कर रहा था इतनी देर से, भाई का फोन स्विच ऑफ आ रखा था। अरे इसने ही तो बोला था मेरे को एरोप्लेन मोड पे लगा लो। लेकिन भाई जहाँ भी आए ना ये जन्नत। हाँ नॉलेज हो गई पर कि ज्यादा टाइम भी एरोप्लेन पे नहीं लगाना चाहिए फोन, कभी भटक जाए तो। पर सही है फाइनली हम पहुंच गए इधर डेस्टिनेशन। ये राइडर है अपने जो आए हुए हैं, तो भाई रंजीत है अभी। भाई रंजीत का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए आप। तो वन अप लगिंग और भाई को भी सपोर्ट कीजिए, कभी भी छोटे छोटे ब्लॉगर को सपोर्ट किया जाता है क्योंकि नीड होती है भाई, सपोर्ट करो। नया नया ब्लॉग भाई लाते रहेंगे, अभी हम लोग साथ में मिले और नई नई जगह भी मिलेंगे साथ में, और अच्छा कंटेंट भाई आपके लिए जरूर लाएंगे। तो फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब। कितने साल हो गए आपको यूट्यूब चैनल को? मेरे अभी तो 3 महीना हुआ, मेरे को 3 महीना हुआ गाड़ी, मतलब मेरे को 8 मंथ हो गए गाड़ी मैंने यूट्यूब के लिए लिया था। तो अभी भाई हमारी कैटेगरी की लग रही है, हमें भी 3 महीने। यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे हैं सब लोग वही हैं, अभी बिगिनर हैं, सब लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से और आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टर बिगिनर है हम। हाँ। अभी हमारा मेरी सेकंड राइड है ना, सेकंड राइड है, और जतिन की शायद थर्ड राइड है। तो भाई की सेकंड राइड है, लेकिन सेकंड राइड भाई की बहुत अच्छी रही आज, क्योंकि आज बहुत ज्यादा गाड़ी इन्होंने देखा रोड पे भी, आपने बहुत ज्यादा गाड़ी देखी होगी। फर्स्ट टाइम। हाँ तो भाई को फॉलो करें और हमेशा सपोर्ट करें यार। तो भाई का नाम रंजीत है, एक बार फिर से बता दो यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वन ऑफ ब्लॉगिंग। बस हम लोग राइड का ही वीडियो बनाते हैं, दिल्ली का और कहीं कहीं का, और आगे और भी वीडियो आते रहेगा। सपोर्ट कीजिएगा गाइस, आप लोग ही हो जो हमें सपोर्ट करोगे, और कौन करेगा। अच्छा भाई, तो भाई फाइनली ब्रेकफास्ट हो चुका अपना थ्रोटल्स होटल पे, एक नंबर फूड, सब कुछ बढ़िया एकदम। चाय तो अल्टीमेट, मतलब भूल जाओगे सब कुछ। वैसे थोड़ी कॉस्टली है, 50 रुपीज़ की चाय है, लेकिन अच्छी है, एक नंबर की बढ़िया। बाइक राइड्स तो देख लिए होंगे आपने, एक नंबर। बाकी विक्रम भाई बताएंगे आपको।
तो बाइक राइडर्स का तो भाई है, मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ बाहर, तो आज जो मैंने वॉइस सुनी है ना, जो थ्रोटल सुने हैं इनके बूम 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 करके, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। वीडियोज़ मैंने देखी हैं काफ़ी सारी यूट्यूब पर, सब डालते हैं यूट्यूब पर वीडियोज़, तो मैंने जो बाइकें देखी हैं आज, बाइकर्स देखे हैं, रेसिंग देखी है, लाइव रेसिंग देखी है मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो अभी स्टार्ट किया है लोग हमने, तो धीरे धीरे जाएंगे, इन बंदों के साथ जाएंगे, कहीं कहीं पे जाएंगे तो एक्सपीरियंस होगा। बाकी मज़ा तो आ ही रहा है आज राइडिंग करने में। भाई जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है बाइक वाइक कुछ, भाई मैं स्कूटी से आया हूँ, स्कूटी से पीछे बाइक बुलेट, स्कूटी आगे निकल जाती है बार बार, पीछे बुलेट, ये वो सब कुछ, मतलब कुछ भी हो राइडिंग करो भाई, साइकिल हो राइड करो उससे, ये नहीं कि साइकिल है भाई राइड नहीं करेंगे भाई, स्टार्टअप हो जाओ, उठ जाओ, खड़े हो, जिसको भी सोचना कि भाई हमें भी राइड करनी है, डीएम कर दो भाई इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिसके भी पास नंबर है, कोई शर्मा रहा हो भाई, जिसको भी ज्वाइन करना ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, बहुत अच्छा। अभी तो दो ही हम, बाकी तो तीन चार और भाई मिल चुके हैं ग्रुप में, इकट्ठे हो चुके। तो गाइज थ्रोटल शोटल का आज का दिन ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि बाइकर्स सभी जा चुके हैं, हम थोड़ा आधा घंटा लेट रुके हैं यहाँ पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो फर्स्ट टाइम अच्छे से देखना था क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पीछे कैफे है, खाना हम खा चुके हैं, बाइकर्स सारे जा चुके हैं, तो मज़ा बहुत आया है मेरे को आज, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत सही रहा है बाइकर्स के साथ, नए नए बाइकर्स से मिला हूँ, नॉलेज गेन हो रही है, तो जैसे जैसे नए व्लॉग आएंगे उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज गेन होगी। तो अभी चलते हैं, यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, फिर रास्ते में आपसे बातें करते हैं, बाय। तो गाइस नोएडा से लेकर दिल्ली तक, इवन हम घर पहुंचने वाले हैं अभी, तो बारिश बंद ही नहीं हुई, यहाँ भी अभी थोड़ी बहुत बारिश चल रही है, लेकिन नोएडा की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिसकी वजह से आते टाइम जो व्लॉग शूट होना था वो शूट नहीं हो पाया, तो वीडियो को इसलिए मेरे को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी देखो कितना पानी भरा हुआ है और बारिश अभी भी आ रही है, तो मोबाइल भीग सकता है, तो इसीलिए वीडियो को मैं इधर एंड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।